एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनी। बीजेपी को हराने के लिए एनडीए के 3 संकल्प। 4 साल बाद भारत पाक वनडे होगा आज। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए टॉप 10 खबरें लाया हूं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल की बड़ी खबर एक देश एक चुनाव से जुड़ी रही। केंद्र सरकार ने इसको लेकर कमेटी बनाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस पर बिल ला सकती है। इधर उधर विपक्षी दलों के संगठन INDIA ने भाजपा को हराने के लिए 3 संकल्प लिए हैं। इसी बीच देर रात खबर कारोबारी जगत से आई है। जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के फाउंडर नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। हम आपको आगे मणिपुर में हुई मौतों के बारे में भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं आज की खास खबरों की ओर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जेट एयरवेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर नरेश गोयल को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। उन पर 338 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप है। 74 साल के गोयल को 2 सितंबर को स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी उनकी हिरासत की मांग करेगी। केनरा बैंक ने गोयल पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। FIR में बताया था कि 848.86 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट और लोन सेक्शन किए थे, जिसमें से 538.62 करोड़ रुपए बकाया है। एशिया कप 2023 में आज भारत पाकिस्तान की टीम 4 साल बाद आमने सामने होगी। इससे पहले दोनों टीमों के बीच 2019 वर्ल्ड कप में मुकाबला हुआ था। मैच से पहले इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हमारे बल्लेबाज पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का सामना करने के लिए तैयार हैं। यह मैच श्रीलंका में होगा। 2019 वर्ल्ड कप के बाद से भारत ने 57 वनडे खेले हैं। टीम को 34 में जीत मिली है, जो सभी टीमों में सबसे ज्यादा है। भारत ने पिछले दिनों वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और न्यूजीलैंड को भी वनडे सीरीज में हराया है। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की तीसरी बैठक मुंबई में हुई। इसमें गठबंधन ने 14 मेंबर की कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया। भाजपा को हराने के लिए 3 संकल्प लिए। इनमें एकजुट होकर चुनाव लड़ना, महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सार्वजनिक रैलियां करना और जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गठबंधन के नेता गिरफ्तारी के लिए तैयार रहे, क्योंकि सरकार जांच एजेंसियां मिसयूज करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा से लड़ने के लिए इंडिया का जीतना जरूरी है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई है। सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है। ऐसे में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अचानक सरकार को इसकी क्या जरूरत पड़ गई। वही छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM और कांग्रेस नेता TS सिंहदेव ने इस बिल का समर्थन किया है। 2014 के बाद कई बार PM मोदी एक देश एक चुनाव की वकालत कर चुके हैं। संविधान दिवस के मौके पर PM मोदी ने कहा था कि आज एक देश एक चुनाव सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रहा, ये भारत की जरूरत है। इसलिए इस मसले पर गहन विचार विमर्श और अध्ययन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को हिंसा प्रभावित लोगों तक खाना, दवाएं और बुनियादी सामान पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। राशन पहुंचाने के लिए एयर ड्रॉपिंग की भी सलाह दी है। वहीं मणिपुर के चुराचांदपुर और बिष्णुपुर जिलों के बॉर्डर पर 19 अगस्त से शुरू हुई हिंसा अब भी जारी है। बीते दिनों में 8 लोगों की मौत हुई है। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 3 मई से जारी हिंसा में 160 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को 523 FIR दर्ज की गई हैं। इनमें से 19 केस महिलाओं और बच्चों की हिंसा से जुड़े हैं। राज्य में हुई हिंसा के मामलों की जाँच CBI के 53 अफसर कर रहे हैं। इनमें 29 महिलाएं भी शामिल हैं। 2011 की एक याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध शादी से जन्मे बच्चे वैध माने जाएंगे। माता पिता की अर्जित संपत्ति के साथ पैतृक संपत्ति पर भी उनका अधिकार होगा। ऐसे मामलों में बेटियां भी प्रॉपर्टी की बराबर हकदार होंगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि वाइड और वाइडेबल शादी से पैदा संतान को अभी तक अपनी माता पिता की स्वयं की अर्जित संपत्ति में अधिकार मिलता था, लेकिन पैतृक संपत्ति में नहीं। देश भर में अगस्त 2023 करीब 122 साल बाद सबसे सूखा और गर्म महीना रहा। इस महीने सामान्य की तुलना 36% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक साल 1901 में इससे कम बारिश हुई थी। अगस्त की सामान्य बारिश 254.9 मिलीमीटर है, लेकिन इस बार केवल 161.7 मिलीमीटर हुई है।